करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। जी लिसनर्स, अभी हम सुन रहे थे फाइजा की पसंद का खूबसूरत सा सॉन्ग। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉल की तरफ, लेकिन अगली कॉल लेने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आपके चहेते प्रेजेंटर तशरीफ ला चुके हैं हस्बे मामूल 15 मिनट लेट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कराची। आप बताइए, आप लोगों के क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? यस ऑफ कोर्स, इस खूबसूरत से दिन का आगाज एक खूबसूरत सी आवाज के साथ करते हैं। सामने हमारे एक इंतहाई नामुनासिब शक्ल, लेकिन वो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सी बातें होती रहती हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम चलते हैं एक खूबसूरत से कॉल की तरफ एंड लेट्स सी कि कॉलर हमसे क्या कहते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जी, बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। आई नो, मैं बहुत मजे की बातें करता हूँ। आप जो ये कहते हैं ना कि आदमी को गालियां भी मीठे लफ्जों में देनी चाहिए। ऐसी नाश्ता मंगवाओ, मैं तुम्हारे बात की नौकर नहीं। यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और एक्चुअली हुआ क्या है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि गालियां भी इंसान को बहुत मीठे अंदाज में देनी चाहिए। अब देखिए ना, मैं आपके लिए सुबह से यहां पर आया भूखा प्यासा, बिल्कुल एक एक दाना मैंने नहीं खाया। और मैंने आते ही अपनी को होस्ट रिदा से कहा कि वो मेरे लिए नाश्ता मंगवा दे, लेकिन आप जानते हैं कि उन्होंने मुझे क्या कहा? अगर आप कहें तो मैं आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा करता हूं, मैं वो बताता हूं जो रिदा ने मुझे कहा है या लिख के दिया है। नहीं नहीं, सीरियसली बता दूं, आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। जी जी बताइए। रिदा ने मुझे लिखा है कि हदीस नबवी है, अच्छी बात करना भी सदका कहलाता है। यस, बट मेनी थैंक्स फॉर कॉलिंग एट एफ एम 19। अब आप मेरी पसंद का एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनिएगा, लेकिन इससे पहले कि मैं वो बात करूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैं एक अदर टेलीफोन कॉल लूंगा। एंड लेट्स सी हू दिस इज ऑन लाइन, हू वांट्स टू टॉक टू अस ऑन एफ एम 19। यस कॉलर, यू आर लाइव ऑन एयर एंड हेलो। हाय। हाय हाय हाय। ओह माय गॉड, आपने तो मेरे पहले बार फोन करने पर ही इतनी बुरी तरह से हाय डाली है कि आई एम सॉरी मैम। एक्चुअली कुछ चीजें इंसान से बेख्तियार हो जाती हैं, यू नो, ऐसी गैर इरादी तौर पे हो जाती हैं। इसमें कोई ऐसी, आई एम रियली वेरी सॉरी, व्हाट डू यू थिंक, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है ना? नॉट एट ऑल। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो आदमी के हर अमल के पीछे उसका इरादा अगर जाहिर नहीं तो छुपा हुआ जरूर होता है। वैसे क्या हम अपनी साइकियाट्रिस्ट का नाम जान सकते हैं? मेरा नाम फियोना है और मैं फाइन आर्ट की स्टूडेंट हूँ। दूसरी बात ये कि मैं साइकियाट्रिस्ट बिल्कुल नहीं। ओके, दैट्स फेयर। आप साइकियाट्रिस्ट नहीं है, दैट्स फाइन, लेकिन फिर ना हर चीज की जिंदगी का कोई ना कोई एम तो होता है ना। आपकी जिंदगी का एम क्या है? लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय करना। वाओ वाओ, ओके, सो है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना? सॉरी, मैं आपसे फिर मुत्तफिक बिल्कुल नहीं हूँ। आजकल के जमाने में किसी और के काम आना तो अजाब से कम नहीं। आदमी अपने ही काम आ जाए तो बड़ी बात है। आउच 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 फियोना, वेरी वेरी पेनफुल येट सो ट्रू। बस एक बात है फियोना, मुझे लगता है कि आपकी आवाज की तरह आप खुद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होंगे। अब देखिए ना, मैंने आपकी आवाज की तारीफ की है, अब आप जरा मेरी आवाज की तारीफ करें। जी नहीं, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आई। Fiona, I'm so disheartened. Seriously, I'm so disheartened. आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा है कि उन्हें मेरी आवाज पसंद नहीं है। Come on, why do you say that? Okay, fine, fine. I'm not going to argue with you. इससे पहले कि मेरे और आपके disagreement ज्यादा बढ़े, आप मुझे अपनी पसंद का सॉन्ग बताएं, मैं वो लगाता हूँ and that's it. मैं आपकी पसंद का सॉन्ग सुनना चाहती हूँ। Yeah? Well, guess what? मैं भी चाहूंगा कि आप मेरी पसंद का सॉन्ग सुने, क्योंकि मैं उसे अपने अंदाज में लिंक कर सकूंगा। वेल, मेनी थैंक्स फॉर कॉलिंग फियोना। लाइक मी और नॉट लाइक मी, दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम मी टू यू, गोइंग आउट ऑन एफएम 19। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑफ कोर्स हियर इज द सॉन्ग। दोबारा फोन क्यों नहीं किया? कौन थी फियोना? जाने कहा, कैसी हो फियोना?
ऐसी मोहब्बत करता हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो। और मनमानी है कोई नादानी, कभी चलना कभी चलना। आज आज की फोन कॉल्स आ रही है ना? हाँ ना यार, एकदम बोरियत हो रही है। अरे ना पता नहीं कैसे लोग होते हैं, ना बात करने की कोई तमीज, ना लफ्जों का कोई सलीका। मुझे आगे कॉल कर देते ऐसे यू नो। मुझे कलाली वो जो फिल्म थी ना, उसकी कल बहुत याद आ रही है। अच्छा वो फिल्म। वैसे आजम तुम्हें एक बात याद है, काफी अरसे के बाद तुम्हारी आवाज को किसी ने इतना बुरा कहा है। को बुरा बुरा नहीं कहा उसने मेरी आवाज को, हम हमें बुरा कहा मेरी आवाज मजा। सीरियसली इतना अरसा हो गया तुम्हें रेडियो करते हुए, यू डोंट नो, यू कांट मेक आउट। उसकी आवाज में टोटल मसनूईपन था। एंड वैसे ओके कमी वन, अगर उसने मेरी आवाज को बुरा कहा है, ठीक है, उसको मेरी आवाज अच्छी नहीं लगती, तो उसने मुझे कॉल की। हो सकता है उसने मुझसे बात करने के लिए कॉल की हो। हंस रहे हो? नहीं एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ। क्या? मेरा प्रोग्राम तुम्ही तो चलाती हो, तो मैं कॉल करने के लिए कहा। तुमसे बात करने के लिए कॉल किया। लेट्स सी जनाब कि क्या होता है। वैसे बाय द वे जनाब, तो सॉन्ग हो गया खत्म। मैं ऑफ कोर्स उम्मीद करते हैं कि आपको सॉन्ग पसंद आया होगा। चलते हैं कॉलर की तरफ। लेट्स सी कि हमारे साथ कॉलर है कौन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानुल्लाह बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अमानुल साहब, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें कॉल किया। लेकिन अमान साहब एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, जब आप सलाम करते हैं तो दूसरे को जवाब देने की गुंजाइश भी छोड़ते हैं। काल बड़ी मुश्किल से मिली थी ना, आज का आपका क्या मौजू है? अरे यार अमान, मौजू मौजू तो नफरत है, लेकिन आज हम थिंकिंग हमारा मौजू बोरियत होना चाहिए। सीरियसली एकदम बिल्कुल हम यहाँ बोर बैठे हैं। अभी मैंने कॉल कर लिया ना, बोर नहीं होना, दूर हो जाएगा बोरियत। आई गेस बोरियत तो दूर हो जाएगा। अच्छा फकीर बात बोरियत है, ये बताइए आपकी फरमाइश क्या? पिशावर से मेरे लिए धंधा सलाना। अच्छा ओके। अच्छा वैसे अमान साहब बात ये है कि यू नो मार्केट में और बहुत सारे टूथपेस्ट आ चुके हैं, आप खुदा का वास्ता दंदासे का फीचर छोड़ दें। अश्वर अमान साहब प्लीज दंदासे का फीचर छोड़ दें। बस अच्छा लगता है। यस आपको यस हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हमारे दूसरे कॉलर जो है वो कॉल करें, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि हम आपकी कॉल को ड्रॉप करके दूसरी कॉल ले लें। वैसे अमान साहब आपने हमारी बोरियत दूर कर दी है। सीरियसली सो सो लेट्स टेक अ कॉल। अमान साहब थैंक यू एंड गुड बाय, खुदा हाफिज। ओके यू टेक द नेक्स्ट कॉल। गॉड माय गॉड। हेलो जी, मैं शाहीन बात कर रही हूँ। जी शाहीन, आप हमारे आज के मौजूद नफरत पे कोई बात सुनाइए। जी नफरत तो बहुत बुरी चीज है। चूंकि दूसरे कॉलर बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का सॉन्ग और सुनते हैं दूसरे कॉलर की कॉल। हेलो। हेलो हाय, हाय फियोना, मैं आज ही आपको याद कर रही थी। जी फियोना जी, पहली बार आपने कॉल किया है? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे खुद बात की है। अच्छा वैसे मुझे याद नहीं आ रहा, क्यों ना इतने सारे लोग हमें हर रोज कॉल करते हैं तो इसलिए कॉल में जरा भूल जाते हैं हम लोग। उस हाय के बावजूद आप मुझे भूल गए? रियली खैर मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि आप क्या बात कर रही है। अच्छा मुझे ये बताइए आप नफरत के बारे में क्या कहती हैं? आप नफरत के बारे में क्या कहते हैं? आई सी, मेरी बिल्ली मुझको मिल। आई थिंक फियोना की नफरत जो है ना वो बहुत ज्यादा ज़ईफ सा जज्बा है। जी नहीं, आज मैं फिर आपसे डिसएग्री करती हूँ। आई फील नफरत से ज्यादा ताकतवर जज्बा और कोई है ही नहीं। आई सी, मोहब्बत भी नहीं? जी नहीं, क्योंकि मोहब्बत हमें बहुत जगहों पे कमजोर कर देती है। यस ऑफ कोर्स, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब माहिर नफ्सियात से लड़े कौन। और ये आपको कैसे याद आ गया? ओ वो आपकी वो डिसएग्री करने वाली आदत की वजह से। यस
आपकी वो जो डिसएग्री करने वाली आदत है ना, दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर कि आप मायरे नफ्सियात होंगी, आप इसके अलावा कुछ हो भी नहीं सकती। वैसे नफरत के